टूटता हुआ किला, रोता हुआ महल, दिन पे दिन धरती की गोद में समाता जा रहा है राजा राय सिंह का किला। कई राजा आए और चले भी गए, लेकिन यह रायसेन का किला आज भी खड़ा का खड़ा है अपनी मिसाल पर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस्था नेचर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रायसेन किले के अंदर मौजूद बादल महल, झिंझरी का महल, पुरानी कचहरी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, आपको हम सबसे पहले दिखाएंगे रायसेन किले का नक्शा यानी मैप। इस नक्शे के माध्यम से आप सारा किला बहुत आसानी से घूम सकते हैं। इस नक्शे में हमको बहुत शुद्ध भाषा में सब कुछ दिखाया व बताया गया है। इस किले के अंदर क्या क्या मौजूद है, बस आप इस नक्शे को ध्यान से एक बार देख ले। तो दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले बादल महल के अंदर। साथियों, विशाल पत्थरों से घिरा ऊंची दीवार आप जो देख रहे हैं, यही बादल महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। यह महल रायसेन किले का सबसे बड़ा महल माना जाता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं इस महल के अंदर और क्या है इस महल का खास बात, हम आपको बताते हैं। इस महल के बारे में कोई भी कहीं पर जिक्र आज तक नहीं किया है। आखिर इस महल को किसने बनवाया है? टूट टूट कर बिखरी पड़ी वीरान पड़ा रायसेन का यह महल। अब हम इस समय बादल महल के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं इस महल का हालत पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है। दोस्तों, यह बादल महल रायसेन किले का सबसे बड़ा महल था। इस महल का निर्माण रायसेन के राजा राय सिंह ने 1143 में किले के साथ साथ इस महल का भी निर्माण कराए थे। आज के समय में इस महल का अधिकांश भाग टूट टूट कर बिखर चुका है। इस महल का निर्माण पूरी तरह से पत्थरों से किया गया है। यह बादल महल 3 मंजिला ऊंचा था, लेकिन वर्तमान समय में यह महल 1-2 मंजिला ही बचा है, वह भी ध्वस्त हालत में। परमार वंश के राजा राय सिंह ने इस महल में 12 शताब्दी से 13 शताब्दी तक इस किले पर शासन किए थे। कला और वास्तुकला में बहुत गहरी रुचि थी। राजा राय सिंह ने इस किले के अंदर बहुत सारे मंदिर, तालाब व भव्य महल का निर्माण कराए थे। रायसेन किले के अंदर बादल महल का निर्माण बहुत ही शानदार था, लेकिन आज के समय में यह महल खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। इस बादल महल के अंदर बहुत सारे कमरे, छतें, विशालकार आंगन भी हुआ करता था। इस महल का निर्माण चिनाई पत्थर, पत्थर के खंभों से और बीम पर इस महल को पूरी तरह से बनाया गया है, जिसमें चूने के घोल और चूने के गारे से इस महल का निर्माण किया गया है। दोस्तों, यह बादल महल एक भव्य और गौरवशाली महल हुआ करता था, जो कि यह महल राजवासिनी गौरव के प्रतीक था। साथियों, अब हम आपको लेकर चलते हैं पुरानी कचहरी व झिंझरी महल के पास। टूट टूट कर बिखरी पड़ी झिंझरी महल आज रोता हुआ हमसे यह बयां करता है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। साथियों, आप जो ध्वस्त यह महल देख रहे हैं, यह झिंझरी का महल है। झिंझरी का महल अपने समय में बहुत शानदार महल हुआ करता था, लेकिन आज के समय में यह महल पूरी तरह से टूट चुका है यानी कि ध्वस्त हो गया है, और कुछ अंश भाग अभी भी बचे हैं। झिंझरी महल का इस्तेमाल प्रशासनिक कार्यालय में किया जाता था और इस महल को प्राचीन काल में पुरानी कचहरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन राजा राय सिंह के जमाने में इस झिंझरी महल का इस्तेमाल शाही निवास के लिए किया जाता था। झिंझरी महल रायसेन किले के पूर्वी छोर पर बनाया गया है। इस किले का पूर्वी छोर
बहुत सुरक्षित था। पूर्वी व दक्षिण की ओर से यह किला चट्टान की तरह दिखता है, जिस पर चढ़ना बेहद मुश्किल था और साथ साथ सुरक्षा दीवार से घिरा भी था। इस महल में रानियां भी रहा करती थीं। यह महल बहुत सुरक्षित था। तो दोस्तों, आपको यह रायसेन का कौन सा महल सबसे अच्छा लगा, कमेंट में हमको जरूर बताएं। मिलते हैं रायसेन किले के किसी दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।